ये लोग जो थे अपने प्रतिभा के बलबूते पर बॉलीवुड में अपना नाम, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, और उस यही पूरे जो मेहनत उन्होंने किया था उसके वजह से उन्होंने बहुत नाम और शोहरत कमाई। कि ये मिलन या मिश्रण ये कैसे हुआ? आई थिंक ये स्टार प्लस की मिली भगत थी कि हमें एक एक मंच पे एक साथ ले आए, और बनता भी था क्योंकि शो का जो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, टू फाइंड न्यू टैलेंट। एंड आई थिंक निर्देशक का काम यही रहता है कि टैलेंट को परखना, जांचना और फिर पेश करना। इसीलिए उन्होंने हमें चुना और हम तहे दिल से इनको शुक्रिया करते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। एक 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 फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है, और अब एक प्रोफेशनल कनेक्शन भी है। तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम इस मंच पे आ चुके हैं, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार। और यही कोशिश रहेगी कि वाकई हम इंडस्ट्री को, हम ऑडियंसिस को नए सुपरस्टार्स दे सकें। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाया और आपने दिलवाले बनाया, तो इस शो में स्पेसिफिकली कौन ज्यादा दिलवाला होने वाला है? Who's going to be very lenient to the देखिए contestants? दोनों किस्म के, मैं दिल वाला हूं और ये जिगर वाले हैं, तो आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन कमाल का रहेगा। कोई दिल ले आएगा तो कोई जिगर, आई थिंक। और दिल और जिगर का जब एक ही बात होती है लेकिन अलग टर्मिनोलॉजी, तो बेसिकली हम दोनों पैशन ले आ रहे हैं इस मंच पे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन, आप इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीदें रखते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियाज नेक्स्ट मैं अकेला नहीं हूं इस मंच पे। इट आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या उम्मीद रखते हैं आप? इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स, ये शो जो मैंने और करण ने हमने हाँ कहा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक जो फॉर्मेट है कि 20 जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके हम लाए हैं, और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है। इट्स नॉट जस्ट कि सैटरडे संडे हम आएंगे, उनके एड्स देखेंगे, हम जज करेंगे, बट उसके अलावा भी मंडे टू फ्राइडे उनकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है ये भी हम ऑडियंस को दिखाएंगे। एंड वो हर ट्रेनिंग से गुजरेंगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, और एक्टिंग में भी हर रस हो, चाहे वो इमोशन हो, कॉमेडी हो, या ड्रामा हो, हर चीज में। और अंत में, जैसा आपका सवाल था कि ये सारी चीजों का पैकेज ही होगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी है हम पे भी रहेगी कि जो हम ये शो के जरिए दिखाना चाहेंगे उससे वो भी सीखें। थैंक यू सो मच, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द मीडिया क्वेश्चंस। ओके, an admiration for Mr. Bachchan. It's something, the X factor that they bring to celluloid, that just makes you feel like they're a part of your life. Why do you love Sridevi? Why do you love Madhuri Dixit? Why have you loved Deepika Padukone? Why do you love Alia Bhatt? You love them because they connect with you on a level that you can't express, you can't explain. But I feel the biggest connect of a superstar is that he or she has with you personally. You start engulfing them in your life. Some of you feel they're your lover, some of you feel they're your husband, some of you feel they're your brother, some of you feel they're your father. You know, they have an instant family connect with you, your heart and yourself. And I think that is something that none of us know. एक होता है, एक फीलिंग हो जाती है। जब मैं ऑडिशन को देखता हूँ किसी आर्टिस्ट का, तो मुझे एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, इसमें स्टार वाली क्वालिटी है या शायद नहीं है। तो इसकी एक्सप्रेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, एक फीलिंग होती है। ऑडिशन देगा, आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने उनके साथ फिल्म बनाई, या आपको लगा कि हाँ, इस लड़के में या लड़की में टैलेंट है, ये शो का प्रोसेस ही ऐसा कि ये हमारे सामने बनेंगे। जो इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी वो हमारे सामने होगी, एंड फिर उस वक्त ये भी होगा कि मेरे लिए वो नए नहीं रहेंगे, बिकॉज आई विल बी स्पेंडिंग लाइक ऑलमोस्ट 3 months विद देम। 3 महीने उनके साथ गुजारने के बाद फिर उनकी फिल्म शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं नए होके भी वो नए नहीं होंगे मेरे लिए। अच्छा, आदत नहीं है ना ऐसा सब ऐसा आने का। ओके, सो एज मेंटर्स, क्या हम आपको एज फ्रेंड्स देखेंगे एनकरेजिंग द कॉन्टेस्टेंट्स, और वी सी यू एज टास्क मास्टर्स? एंड ये क्वेश्चन आ रहा है सना से, इंडियन एक्सप्रेस। कितना पूछेंगे सना? देखिए, जब आप एक परिवार का हिस्सा होते हैं ना, तो दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट आपको एक दूसरे, जैसे मेरे तो दो बहुत बहुत यंग बच्चे हैं, लेकिन रोहित इज अ फादर, एंड आई नो कि जब आप पेरेंट होते हैं, तो एक किस्म के पेरेंट्स ही हैं हम इन बच्चों के, जो
जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कम्पीट कर रहे हैं, तो कभी आपको दोस्त बनना पड़ता है तो कभी यू हैव टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर, बिकॉज़ इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे. तो हम दोस्त भी होंगे उनके, हंसी मजाक भी होगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी करेंगे उनके साथ, लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट कि थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है. थोड़ा आंसर दे दूं मैं, फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को लेके फरारी वर्ल्ड गया, तो मैंने पहली बार किया अभी 31st पे. हाँ, सो आई थिंक वो एकदम फैमिली आंसर देना पड़ेगा. बिल्कुल, मैं भी वही दूंगा. आप भी बाप बन चुके हैं तो आप भी एकदम. तो मैं 20 साल में पहली बार मैं मुंबई में था क्योंकि मेरे बच्चे वहां थे, तो वो लास्ट टाइम मैंने पहली बार कुछ किया वो ये था कि मैंने नया साल अपने बच्चों के साथ मनाया. So, Karan, no, this question is to both of you. आप दोनों different genres को belong करते हैं, तो आप लोग दोनों साथ में इस show को कैसे judge करेंगे? Will be expecting some धमाका from the show? देखिए, अभी हम मैरिड के बाद ये होटल में बाहर जाएंगे ना, तो लंबा सा बूफे लगता है वहाँ, तो बहुत सारे आपको डिशेस मिल जाते हैं, तो यहाँ वही होगा. वो एक्शन लाएंगे, मैं इमोशन ले आऊंगा, वो मार धाड़ ले आएंगे, मैं रोमांस ले आऊंगा, तो हम बूफे हैं. सुनने वाले हैं सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. ओके, सो क्या हम आपके किसको शो पर देखने वाले हैं? आपके बच्चों को स्टेज पर शो पे देखने वाले हैं? क्या हम आपके बच्चों को शो पर आते हुए देखें? नहीं. आपके बच्चे बच्चे